रेलवे क्रॉसिंग पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रत्येक वर्ष 10 जून को अंतर्राष्ट्रीय समपार फाटक जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर मंडल द्वारा 10 समपार फाटकों पर गेटमैनों, सड़क उपयोगकर्ताओं एवं आम नागरिकों को जागरूक करने के लिए संरक्षा अभियान चलाया जाता है। इस संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 10 जून को अंतर्राष्ट्रीय समपार फाटक जागरूकता दिवस के अवसर पर रेलवे समपारों पर होने वाली दुर्घटनाओं के प्रति जन सामान्य में जागरूकता पैदा करने के लिए मंडल के सभी रेल खंडों पर अनारक्षित समपारों तथा विभिन्न स्टेशनों के समीपवर्ती गाँवों में यातायात इंजीनियरिंग यांत्रिक सिग्नल विभाग के निरीक्षकों पर्यवेक्षकों व रेलवे सुरक्षा बल की देखरेख में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान रेलवे संपार को पार करने में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बैनर, पोस्टर, पंपलेट व हैंडविल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने कहा, विगत वर्षों के बाद इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय समपार जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। कल यानी 10 जून को अंतर्राष्ट्रीय समपार जागरूकता दिवस के अवसर पर समपारों पर जो रोड यूजर्स हैं उनकी सुरक्षा संबंधी जानकारी लोगों को दी जाएगी। इसके लिए नुक्कड़ नाटक जगह जगह समपारों पर, समपारों के आसपास के जो गाँव हैं वहाँ पर कराए जाएंगे। साथ ही साथ बैनर, पोस्टर, पैम्फलेट, लीफलेट्स के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने, भारतीय रेल ने बड़ी लाइन के सभी अनमैन लेवल क्रॉसिंग बंद कर दिए हैं, जो कि सुरक्षा और संरक्षा के दृष्टिकोण से एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण कदम था। अब जो मानवित संपार हैं, जो मैन लेवल क्रॉसिंग है, कई बार हम लोग देखते हैं कि लोग या तो ज़बरदस्ती उसके नीचे से जाने का प्रयास करते हैं अगर संपार बंद है, या किनारे से जाने का प्रयास करते हैं, तो यह बहुत ही गलत है और यह आपको ही असुरक्षा, जो भी ऐसा करते हैं उनको असुरक्षा देता है और ये नियमों के अनुसार भी गलत है और इसके लिए सज़ा का भी प्रावधान है। साथ ही साथ कई बार दिखने में आता है कि लोग गेटमैन के ऊपर दबाव डालते हैं कि संपार खोलने के लिए, यह भी गलत है, इसके अंतर्गत भी कानूनन कार्रवाई हो सकती है। साथ ही साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही गलत है। तो सभी रोड यूजर्स से अपील है कि जो सुरक्षा के नियम हैं उनका पालन करें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।